आज के समय में हमारी जिंदगी इंटरनेट के बिना अधूरी है, लेकिन ये इंटरनेट काम कैसे करता है, आइए इसे समझते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम सुशांत। इंटरनेट एक्चुअली इंटरकनेक्टेड नेटवर्क का एक्रोनिम होता है। ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है जो दुनिया के सभी कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ जोड़ता है। इसे थोड़ा और आसान बनाने के लिए आइए पहले समझते हैं कि एक नेटवर्क क्या होता है। इमेजिन कीजिए एक लड़का है जिसका नाम है राहुल। राहुल की एक खुद की कंपनी है जिसमें कई लोग उसके लिए काम करते हैं। उसके कंपनी में हर एक के पास खुद का कंप्यूटर है जो केबल्स और वायर्स की मदद से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। सो अगर सोचिए कि अगर राहुल को कुछ इन्फॉर्मेशन सभी के साथ शेयर करनी है तो वो अपने कंप्यूटर के थ्रू सबके साथ इजीली शेयर कर सकता है, या फिर अगर उसे किसी स्पेसिफिक लोगों के साथ ही कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी हो तो वो भी वो बिना किसी को डिस्टर्ब किए उन लोगों के साथ शेयर कर सकता है। ये पूरा इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर का सिस्टम जो राहुल और उसके एम्प्लॉयज को कन्वीनियंटली एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने में हेल्प करता है, उसे नेटवर्क कहते हैं। और इंटरनेट एक ऐसा ही बहुत बड़ा सिस्टम होता है जिसमें ऐसे कई नेटवर्क एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। राहुल के ऑफिस की तरह एक नेटवर्क के कई फॉर्म्स हो सकते हैं। आपके घर में प्रेजेंट सभी डिवाइसेस एक दूसरे के साथ मिलकर एक नेटवर्क बनाते हैं। किसी स्कूल में प्रेजेंट सभी कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ जुड़कर एक नेटवर्क तैयार करते हैं। बट टेक्निकली नेटवर्क्स को 3 मेजर टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है डिपेंडिंग ऑन द एरिया जितना वो कवर करते हैं। वो 3 मेजर टाइप्स है: लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। ये पूरा सिस्टम सिर्फ कंप्यूटर्स, केबल्स और वायर से नहीं बना होता, बल्कि इनके अलावा कई और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें हम नेटवर्किंग डिवाइसेस कहते हैं। ये नेटवर्किंग डिवाइसेस होते हैं मॉडेम, राउटर, हब, स्विच, ब्रिज, गेटवे और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये सभी नेटवर्किंग डिवाइसेस बहुत यूनिक होते हैं और इन सभी का एक सेपरेट फंक्शन होता है। इन सभी के बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इंटरनेट का आविष्कार 1 जनवरी 1983 को हुआ था, ऑल्दो इसका मॉडर्न फॉर्म हमें 1990 में देखने मिला जब कंप्यूटर साइंटिस्ट टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया। ऐसा कहा जाता है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी आपदा ही आविष्कार को जन्म देती है। कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक सैटेलाइट को लॉन्च किया था, जिसकी वजह से यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट मजबूर हो गया था कि एक ऐसा सिस्टम डेवलप करे जिससे हम एक न्यूक्लियर अटैक के बाद भी सिग्नल ट्रांसमिट कर सके, जिसकी वजह से एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क का आविष्कार हुआ जो आगे जाके हमारा मॉडर्न इंटरनेट बना। आज इंटरनेट हमारे प्लैनेट के हर इंसान के लिए एक नेसेसिटी बन चुका है, ना सिर्फ कम्युनिकेशन बल्कि शॉपिंग, लर्निंग, बैंकिंग, एंटरटेनमेंट और ऐसी कई सारी चीजें इंटरनेट के बिना मुश्किल है। भले इंटरनेट एक खुद मिरेकल क्यों ना हो, लेकिन इसने खुद की तरह कई और चीजों का भी आविष्कार किया है। हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे क्रिप्टो करेंसी ने हमारे लाइफ पे अपना इम्पैक्ट छोड़ा। अगर वो आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा तो वो हमारे चैनल पे आप जरूर देख सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी की तरह ऐसा ही और एक चमत्कार है जिसे हम नॉन फंजिबल टोकन कहते हैं। ये एक डिजिटल टोकन होता है जो किसी भी डिजिटल फाइल की यूनिकनेस और ओरिजिनलिटी को एक ऑनलाइन लेजर जिसे ब्लॉकचेन कहते हैं उसमें रिप्रेजेंट करता है। NFT को ब्लॉकचेन पे ट्रैक करके हम किसी भी डिजिटल एसेट की ओनरशिप का प्रूफ बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। NFTs के अलग अलग फील्ड्स में यूज किए जाते हैं, जैसे डिजिटल आर्ट, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, कलेक्टिबल्स, वर्चुअल वर्ल्ड्स, गेम्स, एकेडेमिया एंड मेनी मोर। इस प्लैनेट पे प्रेजेंट हर इंसान अपनी जिंदगी में कई चीजें खरीदता है। पैसों का ट्रांजैक्शन सिर्फ चीजें खरीदने में नहीं बल्कि बेचने में, किसी को भेजने में, कहीं इन्वेस्ट करने में भी किया जाता है। सो कैश ट्रांजैक्शंस आज की पेस नहीं मैच कर पाती। इस सिचुएशन में इंटरनेट किसी वरदान से कम नहीं। इंटरनेट की वजह से ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस पॉसिबल हो सके, जिसकी वजह से आज हम हमारे लोकल वेंडर से लेकर फ्रेंड्स और फैमिली तक, या तक कि ऐसा इंसान जो हमारे प्लैनेट के दूसरे कोने में रहता है, उसे भी पैसे बड़े आसानी से भेज सकते हैं। हम इंसानों के लिए एंटरटेनमेंट समय की शुरुआत से ही इंपॉर्टेंट रहा है। आज इस डिजिटलाइजेशन की एज में हमारे पास ऑनलाइन एंटरटेनमेंट के कई ऑप्शंस हैं। आज हमारे पास ऑनलाइन एंटरटेनमेंट के कई फॉर्म्स हैं, जैसे गेम्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब या टिकटॉक, म्यूजिक स्ट्रीमिंग एप्स जैसे स्पॉटिफाई, अमेजन म्यूजिक और OTT प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, डिजनी प्लस हॉटस्टार एंड मेनी मोर। OTT का फुल फॉर्म होता है ओवर द टॉप। ये एक ऐसी स्ट्रीमिंग सर्विस होती है जो हमें इंटरनेट थ्रू कंटेंट डिलीवर करती है। इन सभी में सबसे पॉपुलर फॉर्म है ऑनलाइन गेमिंग। रिसेंट एनालिसिस के हिसाब से आज के समय में गेमिंग इंडस्ट्री की वैल्यू म्यूजिक और फिल्म इंडस्ट्री की कंबाइंड वैल्यू से भी ज्यादा है। पिछले डेकेड में इंटरनेट खुद काफी डेवलप हुआ है, जिसकी वजह से गेमिंग एक विशाल इंडस्ट्री के तौर पर इमर्ज हो रहा है। हर एज ग्रुप का इंसान इसका दीवाना है, इतना कि आज के समय में प्रोफेशनल गेमिंग एक बहुत ही सक्सेसफुल और हाई पेइंग करियर ऑप्शन बन चुका है।
एंटरटेनमेंट के साथ साथ हम इंसानों के लिए एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पैंडेमिक सिचुएशन में ई लर्निंग सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी मददगार रहा। ना सिर्फ हम हमारे घरों से सोफिस्टिकेशन के साथ पढ़ पाए, बल्कि सभी स्टूडेंट्स का एक साल भी बच गया जो बिना इंटरनेट के बर्बाद भी हो सकता था। सोफिस्टिकेशन की अगर बात करें तो इस पैंडेमिक सिचुएशन में ऑनलाइन शॉपिंग किसी लाइफ सेवर से कम नहीं था। आज ना सिर्फ हम इलेक्ट्रॉनिक्स या अपैरल्स बल्कि ग्रोसरीज, मेडिसिन या तक कि रेस्टोरेंट से खाना भी बड़ी आसानी से मंगवा पाए। इन सभी सर्विसेज में डेवलपमेंट होने की वजह से सभी प्रोडक्ट्स की डिलीवरी टाइम दिन ब दिन और छोटी होती जा रही है। अगर हम पिछले 20 सालों में हमारे लाइफस्टाइल में आए सभी चेंजेस की ओर ध्यान से देखें तो एक बात तो जरूर क्लियर होगी कि इंटरनेट का इन सभी में बहुत बड़ा योगदान रहा। इवन पिछले 2 सालों में हमारे लाइफस्टाइल में काफ़ी ड्रास्टिक चेंजेस आए, लेकिन फिर भी हम सभी चीज़ मैनेज कर पाए सिर्फ इंटरनेट की मदद से। एक बात जानना बहुत ज़रूरी है कि इंटरनेट कोई ऐसा हैप्पी प्लेस नहीं है जहाँ हमारे ऑलमोस्ट सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन अवेलेबल है। इनफैक्ट हम में से कई लोगों के लिए ये काफ़ी डार्क प्लेस भी हो सकता है। कई लोग इंटरनेट को शर्मनाक काम जैसे लोगों को स्कैम करना, ऑनलाइन बुली करना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हेट फैलाना, इलीगल ट्रेड्स और एक्टिविटी करना, इन सभी के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन सभी के साथ साथ कई लोग इंटरनेट से इतने एडिक्टेड हो जाते हैं कि वो अपने लाइफ के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को सैक्रिफाइस करके दिन भर घंटों टाइम इंटरनेट पे वेस्ट करते हैं। सो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें कि इंटरनेट सिर्फ हमारे कन्वीनियंस के लिए एक टूल है, एक सुपर पावरफुल टूल, लेकिन सिर्फ एक टूल। सो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसे मॉडरेशन में खुद की और दूसरों की लाइफ इंप्रूव करने के लिए ही यूज़ करें। जिस पेस से हम डेवलप कर रहे हैं, हम में से किसी को कोई अंदाज़ा नहीं कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा। जिन चीज़ों को अभी हम साईफाई मूवीज़ में देखते हैं, हो सकता है आने वाले समय में वो हमारा डेली रूटीन बन जाए। सो मीनवाइल मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हमें इस टेक्नोलॉजी को और अच्छे तरीके से समझना चाहिए ताकि हम इसका अभी और आने वाले समय में बेहतर इस्तेमाल कर पाए। आपको क्या लगता है, आने वाले समय में इंटरनेट का हमारे ज़िंदगी में क्या रोल होगा? कमेंट करके ज़रूर शेयर करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। बाय।